हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 30 घंटे कितना सच कितना झूठ। दरअसल सुशांत का सच जानने के लिए सीबीआई लगातार चौथे दिन आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। मुंबई में डीआरडीओ गेस्ट हाउस जहां सीबीआई की पूछताछ चल रही है। रिया से ड्रग्स कनेक्शन, सुशांत से झगड़े, पैसों की हेराफेरी को लेकर कई सवाल जो सीबीआई अफसर पूछ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के साथ साथ सीबीआई की टीम उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, रजत मेवाती, सुशांत के कुक नीरज सिंह, केशव, सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी से भी पूछताछ कर रही है। एक तरफ रिया और सुशांत के दूसरे राजदारों से पूछताछ हो रही है और दूसरी तरफ ड्रग्स कनेक्शन में गौरव आर्या से ईडी पूछताछ कर रहा है। गौरव आर्या वही आदमी है जिसकी रिया से व्हाट्सएप चैट वायरल हुई थी। चैट में ड्रग्स को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई थी और नई जानकारी है कि रिया के शवगृह जाने को लेकर खुलासा कूपर अस्पताल के डीन को इस मामले में जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उनकी तरफ से कहा गया रिया नहीं गई थी शवगृह। ये बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, कूपर अस्पताल में जो डीन है उनकी तरफ से कहा गया है कि रिया शवगृह नहीं गई थी। हम सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस समय मौजूद हैं। जितेंद्र, ये जो बड़ा बयान कूपर अस्पताल के डीन की तरफ से आया कि रिया शवगृह नहीं गई थी, क्या समझा जाए इससे? हमको ध्यान आ रहा है यहाँ पर कि रिया चक्रवर्ती ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें भी रिया का यह कहना था कि जब बॉडी शवगृह से बाहर एम्बुलेंस में लेकर जाई जा रही थी उस दौरान चंद सेकंड के लिए उन्होंने पार्थिव शरीर के दर्शन किए थे। तो टेक्निकली तो यहाँ पर कूपर अस्पताल की तरफ से एक तरीके से जो जानकारी दी जा रही है, क्या उस पर सवाल उठता है? जी हाँ, ये बात सही है। अस्पताल की तरफ से जो बात कही गई है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए ऐसे कोई सबूत जो है अभी तक महाराष्ट्र के मानवाधिकार आयोग के सामने नहीं आए हैं जिससे कि ये साबित किया जा सके कि कूपर अस्पताल की इसमें गलती रही है या कूपर अस्पताल ने किसी तरह का फेवरेटिज्म इस मामले में किया है। आज की तारीख पड़ी थी जबकि कूपर के डीन को जो है अपनी सफाई देनी थी, जो आरोप लगे थे, जो शिकायत दर्ज कराई गई थी महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग के पास में, और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है और ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। ठीक है, अब आप डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर हैं, भीतर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है, अपडेट? जी हाँ, देखिए आज करीब 11 बजे के आसपास रिया और शौविक आए, उनके अलावा और भी कई लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जैसे श्रुति मोदी यहाँ पर पहुंची, जया साहा यहाँ पर पहुंचे, रजत मेवाती जो कि अकाउंटेंट हैं वो यहाँ पर पहुंचे, और नीरज और दीपेश ये जो नौकर हैं ये भी यहाँ पर पहुंचे, और इन तमाम लोगों से सीबीआई पूछताछ कर रही है, सीबीआई के अधिकारी यहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन की सबसे अहम खबर ये है कि मीतू सिंह जो कि सुशांत सिंह की बहन है उनके साथ में सीबीआई के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, उनका बयान दर्ज कर रहे हैं, और ये काम यहाँ नहीं हो रहा है, डीआरडीओ के दफ्तर में नहीं हो रहा है, ये किसी अन्य ठिकाने पर हो रहा है। उनके वकील ने हमारे संवाददाता कुछ हलचल हुई है जितेंद्र दीक्षित, पीछे कुछ हलचल हुई है जितेंद्र दीक्षित, गाड़ी में कोई निकला है, मुझे लगता है कि पता करना चाहिए आपको कौन निकल रहा है उस गाड़ी से। जी हाँ जी हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ पता करने की कि कौन है इस गाड़ी में। जी ये तस्वीरें बहुत अहम है, डीआरडीओ को गेस्ट हाउस, यहीं पर अंदर रिया चक्रवर्ती मौजूद, वो तमाम लोग मौजूद जिनसे सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपेश हैं जो यहाँ पर मौजूद है। दीपेश, कौन निकला इस गाड़ी से? सर अभी कुछ ही देर पहले सुवेद लोहिया थे जिनसे आज पहली बार सीबीआई ने पूछताछ की, वो निकले हैं, और अभी जो सुशांत के नौकर थे केशव, वो अभी कुछ ही देर पहले निकले हैं। मतलब निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। सुवेद लोहिया से आज पहली बार जो है सीबीआई ने पूछताछ की थी। सुवेद लोहिया ये वो शख्स हैं जो इनके बारे में बताया जाता है कि ये रिया के एक्वेंटेंस हैं, और ये भी आज दोपहर को यहाँ पहुंचे थे पूछताछ के लिए। इनसे पूछताछ हुई, केशव जो नौकर है सुशांत का उससे पूछताछ हुई, और अब जैसे ये लोग एक एक करके निकल रहे हैं तो उससे ये पता चल रहा है कि इन लोगों से पूछताछ खत्म हो चुकी है। लेकिन रिया चक्रवर्ती अभी भी भीतर हैं, और आज के दिन की सबसे बड़ी खबर जिस तरीके से जितेंद्र दीक्षित बता रहे थे, वो मीतू सुशांत सिंह राजपूत की बहन जिनसे सीबीआई पूछताछ कर रही है, लेकिन यहाँ डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में वो पूछताछ नहीं हो रही है, वो पूछताछ किसी और जगह हो रही है, और इंतजार इस बात का कि क्या सीबीआई आज ही सुशांत सिंह राजपूत, मीतू और रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। फिलहाल अब तक रिया चक्रवर्ती से जो सवाल सीबीआई की तरफ से पूछे गए हैं, जो जवाब रिया चक्रवर्ती दे रही है, रिपोर्ट देखिए। पहला दिन 10 घंटे उनके रिलेशन अच्छे थे, उनके पिताजी के साथ सुशांत की ज्यादा बात नहीं होती, आते जाते रहते।
दूसरा दिन 7 घंटे। आप अक्सर सुशांत के क्रेडिट कार्ड से महंगी महंगी शॉपिंग किया करते थे। जी सुशांत, मुझे खुद ही शॉपिंग कराया करते थे। तीसरा दिन 8 घंटे। मिस कर रही थी या फिर उनके परिवार से उनको दूर कर रही थी? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। सुशांत केस की मुख्य आरोपी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती लगातार सीबीआई के सवालों का सामना कर रही है, लेकिन सीबीआई उनके जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनके ही खास रहे सुशांत के स्टाफ से उनके बयान मेल नहीं खा रहे। कल रविवार को तो रिया सीबीआई अधिकारियों के सामने चिढ़ गई। सीबीआई ऑफिसर नूपुर प्रसाद के सवालों से भड़की रिया चक्रवर्ती ने उनके साथ बदसलूकी की, जिसके बाद मुंबई पुलिस के 4 महिला कांस्टेबल को बुलाना पड़ा। रिया के भड़कने की वजह थी उनके और सैमुअल मिरांडा को आमने सामने बिठाकर की जा रही पूछताछ। रिया से सवाल पूछे गए, रिया चक्रवर्ती शॉपिंग किसके पैसों से करती थी? इस पर रिया चक्रवर्ती ने जवाब दिया, शॉपिंग सुशांत कराता था। लेकिन सैमुअल मिरांडा ने कहा, रिया सुशांत के कार्ड से शॉपिंग करती थी, सुशांत को बिना बताए उसके डेबिट कार्ड का पिन रिया को दिया था। सैमुअल के इतना कहते ही रिया चिढ़ गई, क्योंकि उनका बयान सैमुअल से अलग हो गया। इसके बाद भी कई सवालों के जवाब सैमुअल के जवाब से मेल नहीं खा रहे थे। जैसे सीबीआई ने पूछा, सुशांत के फ्लैट का सामान क्यों बेचा जा रहा था? सैमुअल मिरांडा ने कहा, रिया और श्रुति सुशांत के फ्लैट का सामान बेच रहे थे। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने कहा, गैर जरूरी सामान थे इसलिए घर से हटाया था। इसके बाद रिया से सुशांत के बांद्रा कार्टर रोड वाले घर के बारे में सवाल किया गया, पूछा गया, सुशांत को बांद्रा कार्टर रोड वाले घर में डर क्यों लगता था? रिया ने कहा, सुशांत को घर में भूत प्रेत का साया दिखता था और वो सो नहीं पाता था। लेकिन सैमुअल मिरांडा ने कहा, फ्लैट 15वीं मंजिल पर था, लेट नाइट पार्टीज पर सोसाइटी आपत्ति जताती थी, इसलिए वहां से घर बदलना पड़ा। यानी इस सवाल पर भी रिया और सैमुअल के बयानों में कोई मेल नहीं दिखा। इसके बाद सीबीआई की तरफ से ड्रग्स से जुड़े सवाल पूछे गए, इस पर सैमुअल ने जवाब नहीं दिया, जबकि रिया ने गोल मटोल जवाब दिया। इसके अलावा और भी कई सवाल सीबीआई ने पूछे, जैसे जनवरी 2020 में क्या हुआ था, क्यों उन्होंने सुशांत को छोड़ दिया, क्या उनके और सुशांत के बीच 8 जून को लड़ाई हुई थी, सुशांत का फोन नंबर उन्होंने ब्लॉक क्यों कर दिया, महेश भट्ट को ये मैसेज क्यों किया कि वो अब वहां से जा रही हैं। पूछताछ के दूसरे दिन यानी 29 तारीख को भी रिया से कई तीखे सवाल किए गए, जिसमें ज्यादातर सवाल सुशांत केस में ड्रग्स एंगल से जुड़े थे। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछा था, क्या आपने ड्रग्स लिया है, क्या सुशांत भी ड्रग्स लेते थे, सुशांत को ड्रग्स कौन देता था, सुशांत को ड्रग्स सप्लाई करने वाले को जानती हैं, सुशांत की पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल कहां होता था, ड्रग्स खरीदने के लिए किसके पैसे इस्तेमाल होते थे, आखिरी दिनों में सुशांत क्या ज्यादा स्मोकिंग करते थे। इसके अलावा सीबीआई ने पूछा, सुशांत अक्सर टूर पर जाते थे, पैसे कौन देता था, हाउसिंग लोन से ज्यादा आपने यूरोप ट्रिप पर खर्च कर दिया, कैसे अपनी आम